दोस्तों, मेरा नाम है रुचि अरमकर फ्रॉम एनिमेशन प्लैनेट और आज हम देखेंगे कि आपके बिजनेस वीडियो बनाने के लिए कौन सी वीडियो स्टाइल सबसे बढ़िया रहेगी, एनिमेशन या लाइव एक्शन। बिजनेसेस अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी वीडियो स्टाइल उनके वीडियो के लिए अच्छी रहेगी, क्या वो उनको वो इम्पैक्ट दिलाएगी जो वो चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप डिसाइड कर सके कि कौन सी वीडियो स्टाइल आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। बिजनेस वीडियो स्टाइल चुनने के लिए हम हमारा काफी कीमती समय बिता देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कोई गलत वीडियो स्टाइल चूज कर ले तो हम हमारा ट्रैक्शन लूज कर देंगे। ट्रैक्शन का मतलब हमारे लॉयल फॉलोअर्स बनाना कंसिस्टेंट मार्केटिंग से। इसलिए अगर आपने गलत वीडियो स्टाइल भी यूज की है तो भी आप अपने फॉलोअर्स तुरंत यूज नहीं करेंगे और आप वीडियो एनालिटिक्स की हमेशा मदद ले सकते हैं ये देखने के लिए कि किस वीडियो ने सही परफॉर्म नहीं किया है और उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि कौन सी वीडियो स्टाइल हमारे लिए अच्छी रहेगी, एनिमेशन या लाइव एक्शन। ये जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स। हम ये दोनों वीडियो स्टाइल्स 5 फैक्टर्स पे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले ये जानते हैं कि क्या होता है लाइव एक्शन वीडियो और क्या होता है एनिमेशन वीडियो। एनिमेशन ऐसी वीडियो स्टाइल है जिसमें सीरीज ऑफ ड्रॉइंग्स और ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है मूवमेंट दिखाने के लिए। ये जनरली कंप्यूटर जनरेटेड होता है। लाइव एक्शन ऐसी वीडियो स्टाइल है जिसमें कैमरा का इस्तेमाल होता है। वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, ये लाइव एक्शन के पार्ट्स हैं। ओके, तो अब आते हैं हमारे पहले कंपैरिजन पर, विजुअल्स। एनिमेशन वीडियो स्टाइल आजकल पूरी तरह से कंप्यूटर में बन गई है। वो ग्राफिक डिजाइनर्स और एनिमेटर्स की क्रिएटिविटी का नतीजा होती है। इन्हें बहुत ही कैची और खूबसूरत बनाते हैं। इनको बनाने के लिए कोई रियलिटी के लिमिटेशंस नहीं होते। ये पूरी तरह से आर्टिस्ट के इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए कोई आवश्यक शर्तें भी नहीं होती। लाइव एक्शन वीडियोस भी काफी अट्रैक्टिव होते हैं, मगर उनको रियलिटी का लिमिटेशन है। अगर कोई इमेजिनेटिव शॉट्स लेना चाहता है तो उसे एक्स्ट्रा स्टेप्स उठाने होते हैं। कुछ चीजें बहुत ही जरूरी होती है जिनके बगैर ये वीडियो बनाना संभव नहीं है, जैसे कि एक्टर्स, प्रॉप्स, शूट करने की जगह, कैमरा एक्सेट्रा। साथ ही शॉर्ट्स में कंटिन्यूटी रखने के लिए यूज किए जाने वाले सामान की जिम्मेदारी लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को उड़ते हुए दिखाना ये एनिमेशन में आसान है लाइव एक्शन से। नंबर 2, कॉस्ट। एनिमेशन वीडियो की कॉस्ट इसमें लगने वाले कंटेंट, स्टोरीबोर्ड, डिजाइंस, एनिमेशंस, म्यूजिक एक्सेट्रा से बनती है। कंप्यूटर में बनाने के कारण इन्हें कंप्यूटर के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं होती और एनिमेशन आर्टिस्ट के अलावा कोई दूसरे लोगों की भी नहीं, इसलिए इनकी कॉस्ट कम होती है। लाइव एक्शन वीडियो में कॉस्ट ज्यादा होती है। इनको कंटेंट और स्टोरी बोर्ड के अलावा एक्टर्स, प्रॉप्स, शूट करने की जगह, इंश्योरेंस, कैमरा इत्यादि चीजों की जरूरत होती है, जिससे कॉस्ट बढ़ती है। यदि आप ये वीडियो इन हाउस जनरेट करते हैं प्रोफेशनल ना रखते हुए तो कुछ कॉस्ट कम की जा सकती है। नंबर 3, बनाने का समय। एनिमेशन वीडियो में लगने वाले सारे डिजाइन और ग्राफिक्स आर्टिस्ट शुरुआत से बनाते हैं, इसलिए उनको कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लगता है इनके एनिमेशन टाइप और क्वालिटी के कारण। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सप्लेनर वीडियो को बनाने के लिए करीब 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। समय कम करने के लिए आप पहले ही बने हुए डिजाइन और ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे एनिमेटर, पाउटिंग्स एक्सेट्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिए ये आपके यूनिक वीडियोस नहीं बनाएंगे। हो सकता है आपके कंपटीटर्स भी यही यूज कर रहे हैं। लाइव एक्शन वीडियोस जल्दी बन जाते हैं, 1-2 हफ्ते में, और यदि आप ये वीडियोस इन हाउस बनाते हैं तो ये वीडियो एक दिन में एक भी बन सकता है। नंबर 4, रिविजन्स। जैसे कि पहले ही डिस्कस किया है, एनिमेशन सारे कंप्यूटर में बनते हैं, तो इनमें अगर कोई चीज चेंज करनी हो तो वो आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वॉइस ओवर में कुछ चेंज करना हो तो आप री रिकॉर्ड करके सिर्फ उसी पार्ट को एनिमेशन में भी चेंज कर सकते हैं। लाइव एक्शन में रिविजन करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लाइंस चेंज करनी है तो पिछले शॉट से मेल खाने के लिए या कंटिन्यूटी रखने के लिए आपको फिर से वही एक्टर के साथ एग्जैक्ट लाइटिंग और एनवायरमेंट के साथ पूरा सेट सेम जगह पर लगाना होगा। इससे टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ेगा। 5, कनेक्शन। एनिमेशन वीडियो जितना भी खूबसूरत और आकर्षक क्यों ना हो, उनमें ह्यूमन कनेक्शन की कमी है। सब जानते हैं कि वो सच नहीं होते, लेकिन लाइव एक्शन वीडियोस ह्यूमन कनेक्शन के समय अद्भुत काम करते हैं।
जब लोग किसी व्यक्ति को बात करते हुए देखते हैं तो जुड़ाव महसूस करते हैं और वो उनपे अपना भरोसा रख पाते हैं। चलिए अब हमें बेहतर जानकारी हो गई है कि क्या होते हैं एनिमेशन वीडियोस और क्या होते हैं लाइव एक्शन वीडियोस। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद आप अपना नेक्स्ट वीडियो इजीली चूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो हमारे एक्सपीरियंस से हमने एक लिस्ट बनाई है जो आपको वीडियो स्टाइल सिलेक्ट करने की मदद करेगी। सो आइए जानते हैं कि कौन सी वीडियो स्टाइल कब यूज करनी है। वैसे आप फ्री हैं कोई भी स्टाइल इस्तेमाल करने के लिए आपके समय और बजट के आधार पर, मगर हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से हम ये वीडियो स्टाइल्स बताते हैं इन वीडियोस के लिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। नंबर वन, एक्सप्लेनर वीडियोस। एक्सप्लेनर वीडियोस जनरली ये दिखाते हैं कि आपका बिजनेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कैसे। इसकी संभावना है कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल वे से बताना ये एनिमेशन का काम। कस्टमर का इंटरेस्ट लूज किए बिना वो सोल्यूशन समझ जाए ये एनिमेशन वीडियो से आसानी से हो सकता है। नंबर टू, प्रोडक्ट प्रोमो और ऐप प्रोमो वीडियोस। प्रोडक्ट प्रोमो और ऐप प्रोमो वीडियोस लोगों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें जरूरी नहीं कि हमें कोई जानकारी दे, इनके विजुअल्स बहुत ही हाई क्वालिटी और आई कैचिंग होते हैं जो एनिमेशन से इजीली दिखा सकते हैं। नंबर थ्री, प्रोडक्ट डेमो वीडियोस। प्रोडक्ट डेमो वीडियोस अलग होते हैं प्रोडक्ट प्रोमो वीडियोस से क्योंकि इनमें प्रोडक्ट दिखाए और समझाए भी जाते हैं। अगर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ दिखाना है और समझाना नहीं तो आप लाइव एक्शन वीडियोस का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ समझाना भी है तो एनिमेशन का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आप दोनों चीजें यूज करना चाहते हैं तो इन दोनों स्टाइल्स का मिक्स यूज कीजिए उन वीडियो पार्ट्स के लिए। नंबर फोर, बिजनेस प्रोफाइल वीडियो। बिजनेस प्रोफाइल वीडियो ये दिखाता है कि आपके बिजनेस का कल्चर कैसा है और उसका विजन क्या है। ये बिजनेस कैसे करते हैं ये नहीं बताता, इसलिए इस वीडियो के लिए लाइव एक्शन वीडियो इज द करेक्ट चॉइस। नंबर फाइव, क्लाइंट टेस्टिमोनियल वीडियो। हमारे क्लाइंट्स रियल पीपल हैं, इसलिए लाइव एक्शन वीडियो का यूज करना लॉजिकल है। नंबर सिक्स, एजुकेशनल वीडियोस। एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत है, कनेक्शन और एक्सप्लेनेशन, इसलिए इनमें लाइव एक्शन और एनिमेशन दोनों वीडियो स्टाइल्स का इस्तेमाल कीजिए। लाइव एक्शन आपके व्यूअर को आपके साथ कनेक्ट करेगा और एनिमेशन आपकी बात इजीली समझाएगा। नंबर सेवन, पिच वीडियो। जब आप किसी को पिच करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी चीज के साथ ये जरूर देखता है कि आप भरोसे के लायक हो या नहीं, इसलिए इनमें लाइव एक्शन वीडियोस का इस्तेमाल करना सही है और एनिमेशन का इस्तेमाल उन जगहों पे कीजिए जहां आपको कोई बात समझानी हो। जब भी आपको आपकी वीडियो स्टाइल चुननी हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, मेरा मैसेज क्या है और मुझे इस वीडियो से क्या आउटपुट चाहिए। अगर आपको कोई बात समझानी हो तो एनिमेशन का इस्तेमाल कीजिए और जब आपको ह्यूमन कनेक्शन चाहिए तो लाइव एक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको एक वीडियो में दोनों चाहिए तो इन दोनों स्टाइल को मिक्स कीजिए। एनिमेशन प्लैनेट में हम आपकी मदद करते हैं कि आपके वीडियो मैसेज के लिए कौन सी स्टाइल सबसे अच्छी होगी और उसे बनाते भी हैं। अगर आपको कोई सवाल है कि मेरे बिजनेस के लिए कौन सी वीडियो स्टाइल सबसे अच्छी रहेगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@animationplanet.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस वीडियो बनाना चाहते हैं।